हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया बाय रोशन कुमार। आज का टॉपिक हम लोग का मूवमेंट इन ट्राइबल प्लीजेंट, मतलब ट्राइबल प्लीजेंट में मूवमेंट कैसा रहा और किसके द्वारा चालू की गई थी और उसका मीनिंग, स्वराज का मतलब क्या था। तो ट्राइबल प्लीजेंट इंटरप्रेटेड किए थे मैसेज ऑफ महात्मा गांधी, मतलब मैसेज महात्मा गांधी कुछ और देना चाहते थे लेकिन ट्राइबल प्लीजेंट अपने जरूरी के हिसाब से मैसेज महात्मा गांधी को चेंज, महात्मा गांधी का जो मैसेज था उसको चेंज कर लिए थे। आइडिया अपने, स्वराज का आइडिया अपने तरीके से निकाले थे। गॉर्डन हिल के अंध प्रदेश में थे ना, वहाँ पर मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट हो रही थी, छुप के एक आंदोलन, छुपा कर तीर मारने वाला आंदोलन चालू था जो कि लीड किया जा रहा था अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा। अब आता है कि कोई आदमी मूवमेंट करता है तो मूवमेंट करने का कुछ कारण होता है। जैसे यहाँ पर अल्लूरी सीताराम के द्वारा एक गॉर्डन हिल मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, उसका कारण क्या था। तो गवर्नमेंट ना कॉलोनियल गवर्नमेंट क्लोज कर दिया था लार्ज फॉरेस्ट एरिया, मतलब जो फॉरेस्ट एरिया था ना उसको बंद कर दिए गए थे, कर दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम एंटरिंग द फॉरेस्ट टू ग्रेज देयर एनिमल। वो प्रिवेंट कर रहे थे पीपल को अंदर एंट्री करने के लिए फॉरेस्ट से, अपने जानवर को चढ़ाने से और जलावन के लकड़ी और फ्रूट लेने से। द गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूटेड बेगार फॉर रोड बिल्डिंग, मतलब गवर्नमेंट ने ट्राइबल प्लीजेंट को फोर्स करने लगे कि बेगार करो मेरे लिए, वो रोड बनाना है। देर लाइवलीवुड वेर इफेक्टेड, मतलब जो लाइवलीवुड थे ना ट्राइबल प्लीजेंट का, वो प्रभावित होने लगे। उसको लगा कि उसका ट्रेडिशनल जो पारंपरिक राइट मिला हुआ है उसको ना उससे छीन लिया गया है। अब अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में जानते हैं। तो अल्लूरी सीताराम राजू, द मूवमेंट द गॉर्डन हिल ऑफ आंध्र प्रदेश वॉज लीड बाई अल्लूरी सीताराम राजू, जो मूवमेंट था गॉर्डन हिल में जो आंदोलन स्टार्ट हुई थी वो अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा लीड किया जाता था। अल्लूरी सीताराम राजू क्लेम डैट ही हैज़ अ वराइटी ऑफ स्पेशल पावर, अल्लूरी सीताराम राजू क्लेम करते थे उसके पास कुछ वराइटी ऑफ स्पेशल पावर है, जैसे ही कैन मेक ट्रू एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन, मतलब वो सही प्रिडिक्शन कर सकते हैं, एंड हेल्प पीपल और पीपल को हेल्प कर सकते हैं। ही कुल सर्वाइव इवन बुलेट शूट, वो जिंदा रहेगा, अगर उसको गोली भी लग गई है फिर भी वो जिंदा रहेंगे। रिबलर प्रोक्लेम डैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, मतलब जो वहाँ से जो आंदोलन लड़ रहे थे वो लीडर उसको इनकारनेशन ऑफ गॉड मानते थे, मतलब भगवान की अवतार मानते हैं। ही वॉज इंस्पायर्ड बाई द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी, लेकिन ये महात्मा गांधी के महानता से बहुत इंस्पायर थे। ही इनकर्स पीपल टू बेयर खादी, वो इनकर्स करते थे उसके पीपल को कि आप खादी पहनिए, एंड गिव अप ड्रिंकिंग, और आप जो शराब पीते हैं उसको छोड़ दीजिए। ही एसेस दैट इंडिया कुल बी फ्री ओनली बाई द यूज ऑफ फोर्स, लेकिन उसी समय महात्मा गांधी से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, लेकिन वो एक बात मानते थे, महात्मा गांधी के विरोध थे कि इंडिया को अगर आज़ादी दिलानी है तो वो फोर्स से होगी, मतलब ताकत से होगी, बल से होगी, लड़ाई से होगी। ही वॉज कैप्चरिंग, मतलब उसको कैप्चर कर लिया जाता है, एंड एक्सक्यूटेड इन 1924, मतलब 1924 में उसको फांसी पर चढ़ा दी जाती। इस तरह से वो फॉल्क हीरो बन जाते हैं, लोक हीरो बन जाते हैं। अब हम लोग का इसका सेकेंड टॉपिक है स्वराज इन प्लांटेशन, मतलब प्लांटेशन पीपल में स्वराज का मतलब क्या होता है। द वर्कर ऑफ प्लांटेशन, जो वर्कर होता है प्लांटेशन के, हैड देयर ऑन मीनिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट, उसके पास ना उसका अपना अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैसेज ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का क्या मैसेज और मीनिंग ऑफ स्वराज का, उतना उसका अपना होता है। फॉर प्लांटेशन वर्कर, प्लांटेशन वर्कर इन असम, जो प्लांटेशन वर्कर असम में थे उसके लिए फ्रीडम मीन्ट, मतलब फ्रीडम का मतलब होता था राइट टू मूव फ्यरली इन एंड आउट फ्रॉम द कन्फाइन फील्ड, मतलब जिस फील्ड में वो प्लांटेशन वर्कर रह रहे थे उससे अंदर और बाहर जाने की अनुमति हो, ये उसके लिए फ्रीडम था। अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, मतलब 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के, प्लांटेशन वर्कर वे नॉट परमिटेड टू लीव द गार्डन विदाउट परमिशन, लेकिन जो प्लांटेशन वर्कर थे ना उसके पास परमिशन नहीं था कि वो गार्डन को छोड़े विदाउट परमिशन, बिना किसी के अनुमति से। वेन द प्लांटेशन वर्कर हेयर्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब प्लांटेशन वर्कर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुनते हैं, थाउजेंड ऑफ वर्कर डेनिफाई द अथॉरिटी एंड लेफ्ट द प्लांटेशन वर्कर, वो अपने अथॉरिटी को डेनिफाई करने लगते और प्लांटेशन वर्कर प्लांटेशन को छोड़कर बेंट टू होम और घर आने लगते हैं।
दे बिलीव दैट, वो मानते हैं गांधी राज वॉज कमिंग, मतलब गांधी राज आ रही है। एवरी वन विल बी गिवेन लैंड इन देयर ऑन विलेज, सबको जमीन मिलेगा उसके अपने विलेज में। रिजल्ट क्या होता है ये स्वराज इन प्लांटेशन का, रिजल्ट क्या होता है, तो इसका यही होता है, दे नेवर रीच द होम, जो प्लांटेशन वर्कर होते वो अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं। दे बेयर कॉच बाय द पुलिस, वो पुलिस के द्वारा पुलिस उसको पकड़ लेती है एंड वर्चुअली बिकेबन और बुरी तरह से मारती है। अब आता है कि विड्रॉल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, मतलब गांधी जी एक समय के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल अप कर देते, मतलब बंद कर देते। क्यों? तो गांधी जी किस आंदोलन को तभी बंद करते थे जब वो आंदोलन हिंसा का रूप ले लेती थी। ऐसा हुआ था इन फरवरी 1922, मतलब 1922 में फरवरी में गांधी जी विड्रॉ करते मूवमेंट को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, बिकॉज इट वायलेंट एट द चौरी चौरा। चौरी चौरा इंसिडेंट जगह पर वायलेंट हो जाते हैं और मेनी प्लेस और बहुत से जगह पर ये वायलेंट हो जाते हैं। ही डिसाइडेड टू ट्रेन, मतलब गांधी जी ने डिसाइड करते ट्रेन करना इंडियन को, जो इंडियन थे, बिफोरिंग अदर मास स्ट्रगल, मतलब दूसरे मास स्ट्रगल करने से पहले गांधी जी डिसाइड कर रहे कि इंडियन को ना पहले ट्रेनिंग देना है कि कैसे हम लोग को उस आंदोलन करना है और आंदोलन में हिंसा का रूप नहीं लेना है। उसके बाद आता है गांधी जी फेल्ट दैट, और गांधी जी महसूस करते सत्याग्रही नीडेड टू बी ट्रेंड प्रॉपरली, मतलब गांधी जी फेल करते कि सत्याग्रही को ना ट्रेन करना होगा प्रॉपरली बहुत अच्छी तरीके से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। रोशन को जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे।